दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल देखकर समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूं जो कि आजकल ट्रेंडिंग में डोर्स चल रहे हैं एल्युमिनियम्स के, उनके बीच में ग्रिल्स लगा दी जाती हैं और SS की जाली का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो ओपनेबल डोर हों या स्लाइडिंग हुड डोर हों। ओपनेबल डोर और स्लाइडिंग डोर में आप दोनों इस तरीके की ग्रिल और जाली का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे मॉडर्न पल्ले बना सकते हैं जो कि आजकल ट्रेंडिंग में है। कॉस्ट भी कम होती है और चलते भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जाली अच्छी पकड़ करती है, ग्रिल के साथ अगर लगाई जाती है किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें, अगर किस तरीके का आप इस्तेमाल करते हैं काफ़ी अच्छा डोर लगते हैं। और ये स्लाइडिंग ट्रैक में भी डाले जा सकते हैं और कब्जे पर भी इस डोर को लगाया जा सकता है। ये देखिए वहाँ पर ज़्यादा डोर लगाए जाते हैं जहाँ पर टू ट्रैक लगे हुए होते हैं, और ये सिंगल ट्रैक लगाने के बाद इस डोर को लगाया जाता है। इसकी अगर कॉस्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो लगभग 180 से 200 रुपये स्क्वायर फीट में ये डोर बनाया जाता है। 3x7 का, 4x7 का, किसी कितना भी साइज हो सकता है। तो इस तरीके से इस डोर को बनाया जाता है। सेक्शंस की अगर बात करें तो लगभग 38x19 mm का सेक्शंस में हम इसको बना सकते हैं और 1960 के सेक्शन में भी इसको बना सकते हैं। तो दोनों ही सेक्शन में इसको बना सकते हैं। डोमाल विंडो में भी इस ग्रिल और जाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बॉम्बे स्लाइडिंग एंड 1960 एंड डोमाल एंड मुलियन यानी कि जेड सेक्शंस में भी आप इसका इस्तेमाल करके बहुत अच्छी विंडोज़ बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा लुक देती हैं और काफ़ी टिकाऊ भी होती हैं, क्योंकि अगर कोई भी किसी भी तरीके से जाली में हाथ मारता है, क्योंकि पहले क्या होता था कि ग्रिल का कम इस्तेमाल होता था, अब ग्रिल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इससे थोड़ा जो कि हमारी जो जाली होती है वो सही तरीके से फिक्स हो जाती है, किसी भी तरीके की उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पर देख सकते हैं डोर हमारा रेडी हो चुका है और ग्रिल देख सकते हैं। ग्रिल की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 3x2.5 के ये खाने होते हैं जो कि लगाए जाते हैं। अभी इसकी मैं जाली और ग्रिल आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो अभी मैं दिखाने वाला हूँ ग्रिल और जाली जो कि इसमें इस्तेमाल की गई है। तो दोस्तों देख सकते हैं यही वो ग्रिल है और इसकी जाली भी मैं दिखाऊँगा कौन सी जाली का इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। इसकी लेंथ भी देख सकते हैं, तो बहुत बड़ी ये ग्रिल है, यानी कि लगभग 3x14 फिट की, 3 फिट बाई 14 फिट, 3.5x14 फिट और 4x14 फिट की, इस तरीके से ये ग्रिल्स आती हैं जो कि एल्युमिनियम वगैरह यानी कि एल्युमिनियम डोर्स में इस्तेमाल की जाती है। और बालकनी वगैरह में आप बाहर से भी इसको कवर कर सकते हैं ताकि अंदर कोई भी मतलब पक्षी ना पाए, या फिर जैसे कि कबूतर होते हैं या फिर ज़्यादातर जो उड़ने वाली चीज पंछी होते हैं वो अंदर आ जाते हैं और अंदर गंदगी पैदा होती है, तो उन चीज़ से बचाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने कि आपको डोर दिखाया था, तो डोर के साथ भी ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि बालकनी में भी कवरिंग करने के बाद बाहर से भी इसको लगा सकते हैं स्लाइडिंग बनाने के बाद। बाकी ज़्यादातर डोर्स वगैरह और ये स्लाइडिंग 3 ट्रैक वगैरह की जो स्लाइडिंग बनाई जाती है उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लगाई जाती है ग्रिल, ये 4mm, 5mm, 6mm, इस तरीके से इसके साइज होते हैं। अभी मैं इसकी ग्रिल भी जाली भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल स्मॉल साइज जाली है, बिल्कुल 0 साइज की ये जाली होती है। अभी इससे भी एक बारीक जाली और मैं दिखाने वाला हूँ आपको। तो ये वाली जाली देख सकते हैं, ये 304 की जाली है, इससे ज़्यादा बारीक जाली भी दिखा, 30 से 35 रुपये फुट ये जाली आपको मार्केट में मिलती है अगर कोई रखता होगा। हालांकि इसको कम लोग ही रखते हैं अपने पास, क्योंकि ये थोड़ी कॉस्टली होती है। ज़्यादातर क्या होता है कि लोग एल्युमिनियम की जाली का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ठीक नहीं होता आज के टाइम। मेरा मानना है, मेरा पर्सनल एक सजेशन है कि ज़्यादातर वो ठीक नहीं होता। अभी मैं दिखाता हूँ इससे बारीक जाली, जो इससे बारीक जाली होती है जो जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बारीक है, आपको देखने में पता चल रहा होगा। यहाँ पर मोड़ के दिखा देता हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा बारीक जाली होती है, इसमें से किसी भी तरीके के इंसेक्ट्स और या मॉस्किटो पार नहीं हो पाते और मक्खियाँ भी पार नहीं हो पाती है। तो मार्केट में आपको मोटी मोटी जालियाँ मिलती होंगी, जैसा कि अभी मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कितने मोटे मोटे इसके खाने, आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रही होगी। और ये देख सकते हैं अभी जैसा कि 0 साइज की एक जाली है, तो ये देख सकते हैं। इसके बाद जो मैंने दिखाया था आपको 304 की जाली, जैसा कि यहाँ पर ये वाला पीस मैंने आपको दिखाया था। तो ये थी कुछ जालियाँ और कुछ ग्रिल्स मैंने आपको दिखाई जो कि कवरिंग और डोर्स वगैरह में इस्तेमाल की जाती हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।